नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उस अहम दिन की जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में थे। अचानक ये तारीख थी 23 जनवरी, और अचानक से नारे लगने लगते हैं जब ममता बनर्जी बोलने जा रही होती हैं जय श्री राम के। इसके बाद जब ममता बनर्जी के आने पर जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता बिफर जाती हैं और सीधे सीधे ये कह देती हैं कि बुलाकर बेइज्जत करना सही नहीं है। इसको लेकर के बहुत बवाल मचता है कि जय श्री राम के नारों से ममता को इतनी चिढ़ क्यों है। राम के नाम का जिक्र तो वो भी करती हैं और खास तौर पे हिंदुओं को रिझाने के लिए वो भी बातचीत तो इस तरह की बहुत करती हैं, जिसको लेकर के ये साफ तौर पर समझ में आता है कि ममता बनर्जी भी इलाके के हिसाब से अपना जो कार्ड है वो रखती हैं सामने। लेकिन इन सारी बातों पर अब एक दिलचस्प टिप्पणी सामने निकल कर आई है। ये जो टिप्पणी हुई है ये संघ की तरफ से हुई है और संघ ने कहा है कि नारे लगाने वालों की पहचान हो और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये दरअसल बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब वहां से ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने वहां पर नारे लगाए, क्योंकि सुभाष बाबू का कार्यक्रम था, सुभाष चंद्र बोस नेताजी का कार्यक्रम था, और नेताजी के किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि आप श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, लेकिन वहां पर जिस औचित्य के लिए वो पूरा का पूरा कार्यक्रम कराया गया था, तो संघ का ये कहना है कि उन लोगों के मन में ना तो बोस बाबू के लिए सम्मान है और ना ही श्री राम के नाम पर सम्मान है। इसीलिए उन लोगों की पहचान की बात कही गई है जो बंगाल में संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो निश्चित तौर पर इसको एक हार्श कमेंट के रूप में देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि वहां पर इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए थे। यानी अब संघ की तरफ से भी वो वाला स्टैंड आ रहा है जो कि खुद टीएमसी स्टैंड ले रही थी कि अगर वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा था या उनके सम्मान में या उनके योगदान के लिए कोई कार्यक्रम था तो उस पर जय श्री राम के नारे लगाने की जरूरत क्या थी। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइए हमें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।